से एक बात बोलूं बोची, प्लीज मेरे और दलजीत जी। हाँ साहिबा, हम तेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लो मम्मी, मैंने कहा था ना ऐसे होएगा। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? इसका मतलब ये कि हम दोनों के आने से पहले आप दोनों ने अपने रोने का ड्रामा ना कर लिया होगा। रूप ऐसे ही होता है, मुझे पता नहीं है। तुझे पता है ब्यूटी, आज के दिन का इंतजार तो मैं सालों से करती आ रही हूँ। आज के दिन मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। और मुझे पता था तेरे कमरे की यही हालत होगी। वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या पहनूं क्या करूं, इसलिए मैं तेरे लिए ये लेकर आई हूँ। क्या है? देख तो। ते बहुत सोना है। थैंक यू परचाई जी। बस अब इसे पहनकर जल्दी तैयार हो जा। साहिबा ब्यूटी को तैयार करती हा? मुझे बहुत काम पड़े, जल्दी जल्दी कर। हाँ परचाई जी, अब तो खुश हो ना? चल मेरे साथ। चाहते थी? ठीक लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। वैसे यकीन नहीं होता कि मैं साहिबा के बारे में इतना गलत सोचता था। मैं भी। अगर साहिबा जी मेरी जिंदगी में नहीं होती ना, तो मेरे जीने की कोई वजह नहीं होती। लेकिन अब मैं जीना चाहता हूं ताकि मैं उन्हें वो सब खुशियां दे सकूं जो वो चाहती हैं। लेकिन आप बहुत लकी हो चाचा जी कि आपको इतनी प्यार करने वाली लड़की मिली जिसने 20 साल आपका इंतजार किया है। वो आपसे बहुत प्यार करती है और मैं उससे। तो फिर मुझसे वादा कीजिए कि आप उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उनका साथ देंगे। जब इंसान दूर चला जाता है ना, तो बाद में बहुत पछतावा होता है। कमाल है, जब मैं यहां से गया था तो तू इतना सा था, और अब जब लौट कर आया हूं तो तू मुझे प्यार की सीख दे रहा है। आज मेरा प्यार ही तो है जिसकी वजह से मैं यहां खड़ा हूं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैंने साहिबा जी को इतना बुरा भला कैसे कहा, उन्हें इतना गलत समझा। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूं ना। साहिबा ने मेरे लिए जो कुछ किया ना, वो कोई आम लड़की नहीं कर सकती थी। बड़ी हिम्मत वाली है वो, बहुत सच्ची है। उसके लिए तो मन से बस दुआ निकलती है कि वो भगवान से जो कुछ चाहे उसे मिल जाए। रणवीर। हाँ मां, 10 मिनट में आ रहा हूं बस। पहले आप चले जाओ।
चुका हूँ मैं शाम सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, उस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इंतहा भी ना ले मेरे, लेकिन दुरुस्त आए, मुबारक हो जी। बहुत बहुत मुबारक जी। जी आया नो आकर शुभ दिन आ गया मनमीत जी। ये तो जी तुहाडी मेहरबानी नाल, अगर आप इस रिश्ते के लिए ना कर देते तो मेरी बहन की जिंदगी तो बर्बाद हो जाती जी। हम कौन होते हैं इतना बड़ा काम करने वाले, ये तो सब उस सच्चे बादशाह की मेहर मेहरबानी। रब तेरी हर मुराद पूरी करे, तेरे को वो सब कुछ मिले जो तू चाहती है। तुझे पता नहीं ये रिश्ता करवाकर तूने कितना बड़ा काम किया है। मैं उम्र भर ये बोझ लेकर जी रहा था पर आज तेरी वजह से वो भी उतर गया। जींदी रह पुत्र, जींदी रह।
चलिए आओ जी, आओ जी, आओ जी। जी आप मेरा स्वागत नहीं करोगे? साहिबा जी के करीब जाने के बहुत मौके मिलेंगे और जो मौका नहीं मिला ना वो मैं छीन लूंगा, वो मैं छीन लूंगा, वो मैं छीन लूंगा। भाई लड़के वाले खातिरदारी तो बनती है ना? हाँ बिल्कुल बनती है, मैं करता हूं तुम्हारी खातिरदारी। सबको मौका मिलेगा, हम इतनी दूर से बारात जो लेकर आए, इस घर की बेटी तो लेकर ही जाएंगे। तू जा मेहमानों को देख, इनका ख्याल मैं रखता हूं। जा दलजीत जी, कुछ भी करें, कुछ भी करें, आप चुप रहिए। वादा करता हूं चुप रहूंगा। वादा किया है ना तुझसे, नहीं तोड़ूंगा। जा तो चले। क्या मेरा पूरा परिवार है, उन्हें मेरी जरूरत होगी। अरे ऐसी भी क्या बात है, तुमसे इजाजत ले लेते हैं। माँ जी वो दलजीत से कुछ बात करनी थी, कहें तो ले जाऊं उसको। वो एक्चुअली बहुत जरूरी काम था, सिर्फ उसी से बात करनी थी। माँ मैं भी आता हूं। हम कहां जा रहे हैं? अकेले में कुछ बात करनी थी तुझसे, चला बैठ के बात करते हैं। आजा आजा।
कुछ देर यहीं आराम कर। पीठ पीछे वार करने की आदत तेरी अभी तक गई नहीं रणवीर। मुझे इस कमरे में बंद करके क्या हासिल कर लेगा तू? मुझे कुछ हासिल नहीं करना, बल्कि तू जो हासिल करना चाहता है वो नहीं करने दूंगा। जानता हूं शादी की आड़ में तू साहिबा से बात करने की और उसके पास जाने की कोशिश जरूर करेगा, जो बूजी की शादी के लिए ठीक नहीं। तू और दुनिया की कोई भी ताकत मेरे प्यार से मुझे अलग नहीं कर सकती। साहिबा की कसम ने हाथ बांध रखे हैं, वरना खैर छोड़, साहिबा मेरी बीवी है और ये सच्चाई तू चाहे जितनी कोशिश कर ले नहीं बदल सकता। इस बेइज्जती का बदला तो मैं तुझसे ले ही लूंगा। और तुझे क्या लगता है, तू मुझे ज्यादा देर तक बंद कर पाएगा इस कमरे में? बिल्कुल नहीं। गुड लक। ये जानना चाहती है ना कि दलजीत कहाँ है? सही सलामत है, वादा किया है ना? चल। आंटी जी, दलजीत दिखाई नहीं दे रहे, आपको पता है कहाँ है? बस यही कहीं होगा पुत्र, होगा एक। अच्छा है वो यहाँ नहीं है, उस कलमोई से तो दूर है। क्या हुआ, आप दलजीत जी को ढूंढ रहे हो ना? हाँ, तुम्हें पता है वो कहाँ है? मुझे चिंता हो रही है, वो यही कहीं थे, आपके हस्बैंड के साथ बात कर रहे थे, पता नहीं अचानक से कहाँ चले गए। आप चिंता मत करो, मैं भी पता करके आती। रणबीर बता दीजिए ना, दलजीत जी कहाँ है? साहिबा वादा किया है ना मैंने, तो निभाऊंगा। लेकिन वो है कहाँ? दूर, हमसे दूर।